फोन ही नहीं उठा रही। कुलिंदर जी मैं क्या कह रही हूँ, कुछ नहीं होना, मेरे को ऐसा लगता है। याद है आपको स्वीटी जी ने भी वादा किया था हमसे कि वो जस्सी को कभी कुछ नहीं पता चलने देंगी। तो की कहते हो जान दी है, वो 1% तो खतरा है ना, रिस्क है ना, और कोई खबर लग गई उसके हाथ में, भनक लग गई, कोई कागज कुगज मिल गया तो की करेंगी। नहीं नहीं भाई नहीं जाएगी वहां, आप रिस्क नहीं ले सकते। नहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर हार भी जाए बच्ची, मेरे को चलेगा, इससे जिंदगी खत्म नहीं होती, इस खबर से जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपनी बच्ची को जिंदगी भर का गाल नहीं देना मैंने। जोगी से बात करना बंद कर दो, वरना कंपटीशन से मैं तुम्हारा नाम विड्रॉ करवा दूंगी। Come on, मॉम जी, आपके फ्रेंड का ही तो बेटा है वो। रिया सोई कि नहीं? आज गुड नाइट करने भी नहीं आई, एक बार चेक करके आती हूँ। सिमरन, सिमरन। हाँ राज। जरा उठियो तो एक ग्लास पानी पिला दे। अभी लाती हूँ। तुम्हें दिखाता हूँ मैं आने वाली मुसीबतों का एक छोटा सा ट्रेल। रिया उसी चर्चा सी तो उनकी नींद बहुत कच्ची है। I'm so sorry यार, मुझे नहीं पता था। सो क्या आती, तुम कितने प्यारे हो यार, अपना प्रोजेक्ट छोड़ के मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। यार अच्छो के रिया, बट तुम्हारी मॉम कोई नहीं आती नींद में, वैसे भी जब तुमने आवाज लगाई ना तब सपने फैल अंदर, हम बच गए। एनीवेज आई डोंट केयर, जो एनी हाउ जस्सी को हराना है। तुम्हारी यही मिशन तो कमाल है, चले अब। जस्सी से पढ़ाई में आगे रिया, उसके यहाँ कॉम्पिटिशन तुम्हारे और मेरे बीच, और इसीलिए तुम्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। उस हॉस्पिटल में अब तुम देखना, इस रिया नाम की बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। लाइट तो बंद है, सो रही होगी रिया, कल सुबह बात कर लेती हूँ। रिया मॉमजी लव्स यू, गुड नाइट। सुनिए मेरे साथ वो लड़का, उसके सर में चोट आ गई, प्लीज मैं उसे अंदर ले जाऊँ। कहाँ है, किधर? सिक्योरिटी इन्हें अंदर जाने दो। जस्सी, मेरे को ना ऐसा लगता है कि तेरे को ये वाला टॉपिक नहीं चूज करना चाहिए, अडॉप्शन वाला, तू कोई और टॉपिक ले ले। क्यों? तू तो मुझे हमेशा धक्का मारता रहता है रिस्क लेने के लिए, अब क्या हुआ? ओए मेरी ना तू बात समझने की कोशिश कर, तेरे को मैं बचपन से जानता हूँ, तू ना इमोशनली बड़ी वीक सी है। हाँ तू जाएगी वहां, निक्की निक्की बच्चों को देखेगी, अडॉप्टेड बच्चे, उनको देख के तेरी वैसी शक्ल रोनी हो जाएगी, है कि नहीं? फिर तो कोई और टॉपिक चूज कर ना तू, जैसे कि हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। वैसे भी तू पूरी कॉलोनी को पढ़ा सकती, इतना टैलेंट है तेरे में। मैं तो कहता हूँ तू ना ये सारे टॉपिक छोड़ दे, बस झाड़ू उठा मेरे साथ, दोनों भाई बहन मिलकर झाड़ू मारते हैं, फिर एक दूसरे की फोटो खींच के ना सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालेंगे और सुमित सर को टैग भी कर देंगे, पॉपुलैरिटी की पॉपुलैरिटी हो जाएगी और मार्क्स के मार्क्स मिल जाएंगे, है ना बढ़िया जुगाड़? वीरे ये कॉमर्शन बहुत मुश्किल है, तब जुगाड़ से कुछ नहीं होने वाला, मुझे ना कुछ हटके करना है।
दिल से काम करने को कहा सुमित सर ने, और तू सोच कितना मजा आएगा छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करने में, है ना मम्मा जी? भाई पुत्र, आइडिया तो तेरा एकदम चंगा पुत्र, एकदम फर्स्ट क्लास, पर पहली बार जरा खोता है ना तेरा परा, ये भी सही गल कर रहा है, कोई आराम वाला काम पकड़ना पुत्र, वो जिसमें नंबर भी 100% दिया है, हाँ? किन चक्रांच पड़ रही है तू? तो हर रोज ऐसे छोटी सी मायूस शक्ल बना के कराएगी, तेरे पापा जी को अच्छा लगेगा, हाँ? नहीं ना? बच्चे हम सिर्फ इतना समझा रहे हैं तेरे को कि उठे कभी पढ़ाई वाले राउंड में, हैं? कितनी मुसीबतें आई, है ना? तो फिर तू पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो तूने फेस किया, हाँ? लेकिन इस राउंड में मुसीबतें आ गई, तो फिर तुझे तकलीफ ना हो ना बच्चे, इसलिए हम कह रहे हैं वो सेफ साइड होना बेहतर है। मम्मा जी मैं हमेशा सेफ साइड रह चुकी हूँ, मैंने ना ऑलरेडी बाबा जी से प्रार्थना की है कि मुझे जिता दे, बाबा जी उनकी हेल्प करते हैं ना जो खुद की हेल्प करते हैं। अब तू हर बात के बीच में बाबा जी को ले आएगी तो हम सब ने तो चुप ही हो जाना है। चल कोई नहीं, कर ले तू अपना काम। कुछ भेजू तेरे लिए? नहीं मम्मा जी। ठीक, ऑल द बेस्ट। मेरा आइडिया कितना अच्छा था। मैडम टमाटो केचप का आइडिया मेरा था। हाँ ठीक है, अब इससे पहले कि हम पकड़े जाएं फटाफट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। को 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 टाइम बहुत कम है। हॉस्पिटल का हाल तो बहुत बुरा है यार, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। दिस इज रिया गुप्ता रिकॉर्डिंग फ्रॉम द्वारका देवी हॉस्पिटल। ये देखिए यहाँ पे यूज नीडल्स, कॉटन, दवाइयाँ, सारा सर्जिकल वेस्ट बिखरा पड़ा है। हॉस्पिटल जैसे इन्फेक्शन का घर बन गया। कौन बोला? मैं बोला पेट में दर्द बहुत हो रहा है। होगा ही ना पेट में दर्द, सो जाओ। अगर हॉस्पिटल का ये हाल रहा तो पेशेंट्स क्या खाक ठीक होंगे। आदि यहाँ का हो गया, अब नेक्स्ट चलते। क्लीनिनेस की कमी है, सिक्योरिटी लूज है, ड्यूटी के वक्त नर्सेस सो रही है, क्या वजह हो सकती है इनकी लापरवाही की? यहाँ की कवरेज मिल गई, जनरल वार्ड में चलते हैं, चलो। रिया रिया, अगर हम दोनों साथ में देखे तो पकड़े जाने का खतरा ज्यादा हो। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके कवरेज करो, मैं बाहर नजर रखता हूँ। ठीक है, बाय। जस्सी बच्ची नहीं रही ना आप कुलविंदर जी, अब इतने नेक और पक्के इरादे के सामने नहीं आ सकते। मैं क्या कह रही हूँ, हम अनाथ आश्रम चलते हैं ना, कल ही चलते हैं, और स्वीटी जी से मिलके उन्हें सिचुएशन समझा देते हैं, कि कहते हो? मानने की वो? देखो बार बार ऐसे जस्सी को रोकेंगे ना तो फिर उसे किसी बात का शक ना हो जाए, समझ रहे हो ना आप? बात का बतंगड़ नहीं बनाना जी हमें, हम कल ही चलते हैं और हम ही संभाल लेते हैं बात को, ठीक है ना? जस्सी सुन, चाहे ना कुछ भी हो जाए हमेशा याद रखना कि मैं ही तेरा वीर हूँ, ठीक है? ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं थोड़ी ना जंग लड़ने जा रही हूँ। जोक मार रही है, है? बस बोल रहा हूँ, ध्यान से याद रख, अंडरलाइन कर ले इसको बोल्ड लेटर्स में। हाँ चल जा रहा हूँ मैं अभी, है? आपको दिखाते हैं इस हॉस्पिटल के जनरल वार्ड का हाल। जैसे कि आप सब देख ही सकते हो यहाँ बेड कम और पेशेंट ज्यादा है, आधे पेशेंट्स तो जमीन पर लेटे हुए हैं, पर इन सब को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक नर्स, जिनका भी पूरे वक्त अपने फोन पे ध्यान है। हेलो जी, डॉक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ। जी मैं द्वारका देवी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक इमरजेंसी का केस है। हमारे सर्जन दरअसल अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप इमरजेंसी सर्जरी के लिए आ सकते हैं? ठीक है आता हूँ। क्या हुआ? इमरजेंसी
आता हूं मैं। आदि, I think हमें बहुत एविडेंस मिल गया। इससे पहले कि किसी को डाउट हो हम पे, लेट्स मूव, चलो। रिया, क्या है? ऐसे हॉस्पिटल के कभी इमरजेंसी वार्ड देखे? It's a war zone. तुम्हें वहां ज्यादा फुटेज मिलेगी। You should go there. आदि, हमें यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया शूट करते हुए। यहाँ का जनरल वार्ड भी इमरजेंसी वार्ड जैसा ही है। No need for more. Let's move, चलो। रिया, रिया, वहां ज्यादा फुटेज मिलेगी। You should go there. Come with me. I'll take you. ओहो जस्सी, खाली सोई नहीं बच्चे हैं, चल परे कर इसको, दिमाग थक जा रहा है तेरा, तब से इसी में लगी हुई है, चल चल। नहीं मम्मा जी, मैं ना रिसर्च कर रही हूँ अनाथ बच्चों के ऊपर। कितना मुश्किल होता होगा, कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जा सकते हैं, उनको कैसा अकेला फील होता होगा, जैसे कि उनको कोई नहीं चाहता। ऐसा नहीं है बच्चे, बच्चे की किस्मत है ना उसे पालने वाली माँ से जुड़ी हुई होती है, सिर्फ पैदा करने वाली माँ से नहीं। हाँ, और जरूरी थोड़ी है कि जो खून के माँ बाप है उनका ही प्यार सच्चा हो, है? दिल का कनेक्शन है ना बच्चे, माँ बाप की परवरिश है ना दिल से होती है, और फिर कभी कभी ना ऐसे मम्मा जी पापा जी भी होते हैं जिनकी किस्मत में ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके घर पैदा नहीं होते, बाबा जी भी कर देते हैं ना मिस्टेक, तो वो मम्मा जी पापा जी ना अपने बच्चों को ढूंढते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं और वहां जाके उनका पूरा परिवार मिल जाता है। फिर भी मम्मा जी, किसी बच्चे को पता चले कि उसके मम्मा जी पापा जी असली नहीं है तो पूरी लाइफ खराब हो जाती है ना, झूठी निकल जाती है। ऐसा सोचती है तू? अगर किसी माँ ने बचपन से ही अपने बच्चे को गोद में खिलाया हो तो बच्चे के रोते उसके आंसू पोंछे हो, रात रात भर जाग कर उसे लोरियां सुनाई हो, उसे इतना प्यार दिया हो, छुट्टी हो जाती है क्या बच्चे? नहीं ना, मैं बता रही हूँ ना तेरे को, बाबा जी का तरीका है बच्चे, हाँ, बिसरे हुए दिलों को मिलाने का, तू भी ना। लेकिन मम्मा जी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मैनू। अच्छा दस, तेरा वो भाई का बदमाश है वो स्वच्छ भारत अभियान कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरे पापा जी की बात सुन के वो उसने अपना प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया हो, है? वो चालू तो रखेगा ना अपना प्रोजेक्ट? हाँ मामा जी, वो आपके असली खून है, करेगा अपनी मर्जी की। प्यारी तो सुई है जी। भाई साहब, किससे मिलना है? जी मैं डॉक्टर राज गुप्ता हूँ, एक कॉल आया था मुझे कोई इमरजेंसी सर्जरी केस के लिए। आदि डैड, सर यहाँ तो कोई सर्जरी का केस नहीं है। अरिशोर, आधे घंटे पहले फोन आया, ये सारे पेशेंट्स ऐसे क्यों पड़े? नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स नर्सेस कहाँ हैं? सर स्टाफ कम है ना, तो इन पेशेंट को हम ही लोग हैंडल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे हैंडल करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट रेड मारेगा ना तब पता चलेगा आपको। कमाल है। कोई इमरजेंसी केसेस हैं क्या? अब मैं आ गया हूं तो देख लूंगा। हाँ सर आइए। अब देखते हैं रिया कि तुम्हारे डैड कैसे रिएक्ट करते हैं, कहीं वो तुमसे नाराज हो गए तो, या फिर कहीं उन्होंने तुम्हें कंपटीशन से निकलवा लिया तो। जोगी, रेडी। हेलो जी, माय सेल्फ जोगिंदर खुराना। भारत है जी, भारत स्वच्छता अभियान, स्वच्छ तो करना ही पड़ता है कि नहीं? ओए की चिल्ला रहा है? ओ अंकल जी, भारत है, भारत स्वच्छ कर रहे हैं। इतनी रात गई? दिन रात एक करेंगे तब जाके भारत स्वच्छ होगा, है कि नहीं? कूड़ा फेंको अंकल जी, कूड़ा फेंको। रुक रुक, देता तेरे को कचरा। फेंक दो। ले ले कचरा।
कूड़ा, थोड़ी मेहनत लगती है पर चलता है। ए लड़के, ये क्या कर रहे हो? इतनी रात गए सबकी नींद खराब कर रहे हो। चैन से सोना है तो कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना आंटी जी। जोगी क्या बोल रहे हो, कोई तरीका है बात करने का? आंटी जी ओए कट करना, क्या कर रहा है पागल कहीं के। ओए आंटी जी आप भी मेरे पे चिल्ला रहे हो, आपको तो पता है ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो ये भारत स्वच्छता अभियान भी एक टॉपिक है। हाँ हाँ पता है मुझे, पर रात को तुम इस तरह से चिल्लाओगे, जाओ घर जाओ, कल सूरी से तुम्हारी कंप्लेन करने वाली हूँ मैं। चलिए बुआ जी। आंटी जी भी ना चली गई। कॉम्पिटिशन से डरती है ना, इनकी बेटी भी पार्ट ले रही है इसीलिए। ओए तू कैमरा ऑन कर। इनका क्या केस है? सर ये लगता है नहीं आई है, शायद इनकी फाइल बनी नहीं है, मैं चेक करके आऊं। ठीक जी। जरा सुनिए, हुआ क्या है आपको, तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? जरा एक सेकंड के लिए आप पलट सकती हैं क्या? बस एक सेकंड के लिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? एक इमरजेंसी केस है, जल्दी चलिए। चलो शोर क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहब एक लड़का और एक लड़की थे, पता नहीं कैसे अंदर घुस गए थे और मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे धक्का देकर भाग गए, और लड़की के हाथ में वीडियो कैमरा भी था। नया राउंड है SOTY का, सोशल सर्विस राउंड, और मेरा टॉपिक है हेल्थ सेक्टर में कमियां। और ये सब तुम छुप के करने वाली हो? और क्या, वीडियो कैमरा? जी डॉक्टर साहब, लड़की के हाथ में था। अरे रिया के कमरे की लाइट क्यों ऑन है? रिया तो नाइट सूट पे थी, ये जीन्स पे? सब नहीं एकदम चुप। मॉम साहब मेरी चीज। मैंने कहा ना सिमरन, तुम कहीं गई थी क्या? कहां गई थी मतलब? अरे वो हुआ क्या, जोगी अपने असाइनमेंट के सिलसिले में रात को कॉलोनी में साफ सफाई कर रहा था, मेरी नींद खराब हो गई, देखा तो रिया भी जगी हुई थी, तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। क्यों? ये सारा वक्त तुम्हारे साथ थी? हाँ, अरे रात को कहाँ जाएगी रिया, घर पर ही होगी ना मेरे साथ, कैसे सवाल पूछ रहे हो, क्यों डर? नहीं वो हॉस्पिटल में कुछ हुआ था, मैं उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। एनीवे गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम कहती हो कि हमें तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन बार बार उस भरोसे को तोड़ती हो तुम रिया। मॉम जी बार बार ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है,
ड्रग्स बेचने नहीं गई थी मैं, क्या स्टिंग ऑपरेशन करने गई थी, जो खुफिया तरीके से ही होता है। बात करने का टोन तो देखो, हरकतें ऐसी करती हो और फिर उन्हें जस्टिफाई करती हो। हाउ डेयर यू। इस असाइनमेंट के जरिए अच्छा बहाना मिला है तुम्हें रात भर आवारा गद्दी करने का, है ना? आप तो बहुत ही फैली बात कर रहे हो, है ना? मुझसे इस तरीके से बात मत करो, मैं फिर से तुम्हें कह रही हूँ, अगर डैडी को पता चला ना तो तुम जानती हो क्या होगा। मुझसे कहा होता मैं तुम्हारी कोई हेल्प तो आप हेल्प करते हैं। अरे मैं करती तुम्हारी हेल्प, कोई आइडिया तो देती ताकि तुम्हारी सेफ्टी को कोई खतरा ना हो, पर नहीं, मोमजी को कुछ पता नहीं है क्योंकि मोमजी तो कुछ जानती नहीं है, है ना? तो ठीक है, ताकि डैड को बोल दो ना, ताकि वो एसओटी वाई से निकाल दे मुझे, फिर तो जीत गई मैं। गुड आइडिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऐसे जीतना नहीं चाहती हूं रिया। गुड, पर मुझे तो जीतना है ना, आपसे जो पीछा छुड़ाना है। जिस दिन मुझसे पीछा छूटेगा ना उस दिन मेरे पीछे पीछे दौड़ती आओगे तुम। ड्रीम ऑन मोमजी, आपको गलत फहमी हुई कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आज तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, आगे से नहीं। तुसी कितने चले सवेरे सवेरे, हले ते नाश्ता भी नहीं होया। बेबी नाश्ता तैयार है, अब खा लेना और बच्चे भी उठ जाए ना तो उठे। जस्सी तो चली भी गई सवेरे सवेरे। कितने निकल गई? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कुछ कह रही थी। मैं भी क्या है, सवेरे सवेरे क्यों जा रही है? जस्सी जरूर अनाथा ले गई है, कहीं उसे सच का पता चल गया तो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.